हेलो एवरीवन, दिस इज गुलनशी इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल गुली स्टडी पॉइंट। ये जो वीडियो है ये आप लोगों की जो मैंने आपको 80 क्वेश्चंस करवाए थे जीआईसी लेक्चरर 2015 का पेपर प्रीवियस ईयर का, तो उसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देख सकते हैं, और वीडियो की लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम है वो 19 सितंबर को, और 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 40 क्वेश्चंस आपके जीएस से आएंगे। अगर आप जीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश का तो मैं करवा ही रही हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप जीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं जीएस की भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहें और आप मेरी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म 1945 इज़ ए सटायर ऑन। जॉर्ज ऑरवेल का जो वर्क है एनिमल फार्म, जो 1945 में पब्लिश हुआ था, ये एक सटायर है किस पर? ब्रिटिश क्लेम ऑफ पावर सुपरमेसी पर, द फेलियर ऑफ कम्युनिटी आइडल्स इन रशियन पर, रशिया पर, द पपल सुपरमेसी या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है राजा राव नॉवेल कॉमेडी कॉमरेड क्रिलोव वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। राजा राव की जो नॉवेल है कॉमरेड क्रिलोव, ये पब्लिश है फ्रेंच लैंग्वेज में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हरिकथा इज यूज एज अ मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस राइजिंग। इनमें से किस नॉवेल में हरिकथा एक मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस राइजिंग के रूप में यूज की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी कांथापुरा। हु रोट द प्रीफेस टू अनटचेबल। प्रीफेस टू अनटचेबल किसने लिखा? ई एम फॉस्टर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद इज मुन्नू द सेंट्रल कैरेक्टर। मुल्कराज आनंद के किस नॉवेल में मुन्नू सेंट्रल कैरेक्टर है? तो मुन्नू आपने सुना ही होगा, कुली जो है उसमें सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटागोनिस्ट जो है वो मुन्नू है, कुली में जो है वो मुन्नू है। नेक्स्ट है नसीम इज़ैकिल वॉज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑन। नसीम इज़ैकिल को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया किस वर्क के लिए? द एग्जैक्ट मैन, हिम्स इन डार्कनेस, द अनफिनिश्ड मैन या लेटेस्ट डे साम। ऑप्शन डी लेटर डे साम। मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया लेटर डे साम उनके वर्क पर। नेक्स्ट है इन द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नसीम इज़ैकिल द स्कॉर्पियन हैज बिटन। जो पोयम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो नसीम इज़ैकिल के द्वारा लिखी गई है, इसमें स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, तो इसमें एक जो है बताया गया है कि बिच्छू किसी का काट लेता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बिच्छू काटता किसके है? स्पीकर के काटता है, विलेजर के काटता है, बच्चे के काटता है या मदर के काटता है? तो बिच्छू काटता है नरेटर की मदर के, यानी कि राइटर की मदर के जो है बिच्छू काट लेता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अवार्डेड द पुलित्ज़र प्राइज है ये। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्ज़र प्राइज कितनी बार दिया गया? तो उनको 4 टाइम्स दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्ज़र प्राइज 4 बार दिया गया था। सैंटियागो इज अ नेम ऑफ ए शिप सिटी फेस्टिवल या कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज द मैन द ओल्ड मैन ऑन द सी। सैंटियागो जो है इसका प्रोटागोनिस्ट है, मैन कैरेक्टर है, यानी कि हीरो है सैंटियागो। ये एक कैरेक्टर है, कोई शहर, जहाज या फेस्टिवल नहीं है, ये एक कैरेक्टर है सैंटियागो जो मछली पकड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय हारोल्ड पिंटर। इनमें से कौन सा प्ले हारोल्ड पिंटर के द्वारा नहीं लिखा गया है? द बर्थडे पार्टी, केयर टेकर, द कॉकटेल पार्टी, द रूम।
यस ऑप्शन नंबर सी। देखिए द बर्थडे पार्टी, इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं लिखा गया है, तो बर्थडे पार्टी भी लिखा गया है, कॉकटेल केयर टेकर भी, रूम भी। कॉकटेल पार्टी जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर पोयम वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पोयम स्पेशली इंग्लिश में लिखी गई थी, ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई थी, लवर्स गिफ्ट, द क्रेसेंट मून, गीतांजलि या द चाइल्ड। यस ऑप्शन नंबर डी द चाइल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कलेक्शन ऑफ पोयम वॉज टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके किस पोयम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो आपको याद होगा गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, गीतांजलि। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्ले इन विच गिरीश कर्नाड यूज द फॉकटेल। उस प्ले को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें गिरीश कर्नाड ने फॉकटेल का यूज किया है, तो टेल डेंडा, नागामंडला, बाली, द सेक्रीफाइस, द फायर एंड द रन। चूज द करेक्ट आंसर, हरी अप। यस ऑप्शन नंबर बी नागामंडला। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल प्राइज विनर। इनमें से कौन सा नोबेल प्राइज विनर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल प्राइज विनर, वर्जीनिया वुल्फ, थॉमस हार्डी, डी एच लॉरेंस या वी एस नेपोल। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरे बताए गए आंसर में से कोई सा भी गलत लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नेम ऑफ द हाउस इन वी एस नेपल्स अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। करेक्ट नेम चूज कीजिए हाउस इन बी एस नेपल्स के ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास में, तो हनुमान विला, बिस्वा विला, हनुमान हाउस या बिस्वास हाउस। ऑप्शन नंबर डी बिस्वास हाउस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनेसे मीन्स ए रिवाइवल ऑफ। रेनेसे का क्या मतलब होता है, द मिडिल एज, क्लासिकल लर्निंग, रेनेसे मतलब होता है रीबर्थ, रिलीजियस वैल्यूज या रोमांस। 96 का है क्लासिकल लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी ये वाला क्लासिकल लर्निंग। रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन, रिफॉर्मेशन एक प्रोडोमिनेंटली एक मूवमेंट था पॉलिटिक्स, लिटरेचर, रिलीजियन या एजुकेशन। रिलीजन, रिलीजन मिस होता है धर्म, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर कौन है, तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर हैं जॉन डन, थॉमस कैरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इक्वेटेड क्लासिसिज्म विद द हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म विद डिसीज। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इक्वेटेड क्लासिज्म विद द हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म विद डिसीज। ऑप्शन नंबर ए गॉथ। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रोमांटिक पोइट। इनमें से कौन से रोमांटिक पोइट नहीं है, तो देखिए आपको बता दूं, पीबी शैले भी रोमांटिक है, जॉन कीट्स भी रोमांटिक है, और जेम्स थॉमसन, जॉन ड्राइडन। ऑप्शन नंबर सी है इसका, जो रोमांटिक पोइट नहीं है, जॉन ड्राइडन इज नॉट अ रोमांटिक पोइट। द प्री रेफलेट्स वर ओरिजिनली अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, पेंटर्स, मॉरलिट्स या प्रीचर्स। जो प्री रेफलेट्स होते थे वो ओरिजिनली एक ग्रुप होता था, राइटर्स का होता था, पेंटर्स का होता था, किसका होता था, तो ये होता था पेंटर्स का ग्रुप।
मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद, मॉडर्निज्म एसोसिएटेड विद द विक्टोरियन एज, द नोटी नाइनटीज, द अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th. ऑप्शन नंबर सी द अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th. जो मॉडर्निज्म एसोसिएट है किसके साथ, द अर्लियर पार्ट ऑफ 20th, 20th सेंचुरी का अर्लियर पार्ट, शुरुआती पार्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट फॉर्म इन इंग्लिश पोएट्री. इनमें से किसने सोनेट फॉर्म को इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया, थॉमस यार्ट ने, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर या एडमंड स्पेंसर. ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉमस यार्ट. द बैलेड इज, बैलेड क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, एपिकल है, ये क्या है, तो बैलेड इज सब्जेक्टिव. ऑप्शन नंबर बी, हु फर्स्ट यूज्ड द कर्टल सोनेट, सबसे पहले कर्टल सोनेट का यूज किसने किया, हॉपकिंस ने, वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने या ओडन ने. ऑप्शन नंबर सी हॉपकिंस. एन एलिजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग. ऑप्शन नंबर बी, और एलिजी जो होती है वो तो होती है दुख के लिए है, तो मोर मीन्स होता है दुख, रिजोइस मीन्स होता है आनंद, तो आपको सही करना है मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन ऑफ हाई टोन टू अ ट्राइबल सब्जेक्ट रिजल्ट्स इन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन ऑफ हाई टोन, ऊंची आवाज में, टू ए ट्राइबल सब्जेक्ट रिजल्ट्स इन, उसका मतलब जब एक एप्लीकेशन को हाई टोन में ट्राइबल सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एपिक होता है, मॉक एपिक, बर्लेस्क या कोई सा नहीं, जल्दी बताइए. यस, ऑप्शन नंबर बी ए मॉक एपिक. An application of high tone to a trivial subject results in a mock epic. Which according to Aristotle is the soul of tragedy? Aristotle के अनुसार soul of tragedy क्या होता है? Plot होता है, character होता है, thought होता है या diction होता है? Plot. According to Aristotle, मतलब Aristotle, द सोल ऑफ ट्रेजिडी इज प्लॉट, उसका एक जो है ट्रेजिडी की जो आत्मा होती है वो उसका प्लॉट होता है. नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड इसाबेला, इसाबेला को किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने, चार्ल्स डिकन्स ने, जॉन कीट्स ने, जल्दी बताइए. इसाबेला इज रिटन बाय जॉन कीट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the preface to the lyrical ballad published? Preface to the lyrical ballad published कब हुआ था? Preface, देखिए lyrical ballad के चार editions आए थे. First edition published हुआ था 1798 में, ठीक है, फिर preface आया था, preface to lyrical ballad वो आया था 1800 में, 1800 में. Third edition आया था इसका 1802 में, और fifth आया था 1805 में, यानी कि 1805 में. इसका सही आंसर क्या होगा जी, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर इज कॉल्ड रिच बायोग्राफी या लिटरेरिया, डिस्कस शेक्सपियर एज अ पोएटिक जीनियस. कॉलरिज के बायोग्राफी या लिटरेरिया में के किस चैप्टर में शेक्सपियर एज अ पोएटिक जीनियस ये डिस्कस किया गया है कि शेक्सपियर एक पोएटिक जीनियस है, चैप्टर 10 में, 15 में, चैप्टर 17 में या चैप्टर 18 में. ऑप्शन नंबर बी चैप्टर नंबर 15. यस, याद कर ले, कॉलरिज के बायोग्राफी लिटरेरिया में शेक्सपियर एज अ पोएटिक जीनियस ये चीज डिस्कस गई है, चैप्टर डिस्कस की गई है चैप्टर नंबर 15 में. हु इवॉल्व्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टचस्टोन मेथड, टचस्टोन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इवॉल्व किया था, वो किया था मैथ्यू आर्नल्ड ने. ऑप्शन नंबर सी. टीएस एलियट्स इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री इज एक्सपाउंडेड इन, टीएस एलियट की जो इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री है वो एक्सपाउंड होती है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, द मेटाफिजिकल पोएट्स, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, किसमें? ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई इन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फेरी, जिंदगी एक कहानी है टोल्ड बाई एन इडियट जो एक मूर्ख द्वारा कही जाती है, कही गई है, फुल ऑफ साउंड एंड फेरी, जिसमें फुल साउंड और फेरी होता है, सिग्निफाइंग नथिंग, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है,
ऑप्शन नंबर ए मेटाफर। देखिए लाइफ इज अ टेल, जिंदगी एक कहानी है, जिंदगी की जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो टेल से किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो तुलना तो की जा रही है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन कंपैरिजन का वर्ड नहीं दिया गया है। अगर एज, लाइक और सो इनमें से कोई सा एक भी दिया होता तो फिर क्या होता, सिमिली होता, ठीक। लेकिन इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन के वर्ड नहीं दिए हैं, तो तब क्या होगा, मेटाफर होगा। लाइफ इज अ टेल, जिंदगी एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंसीट वॉज यूज इन, ए कंसीट जो यूज किया जाता था वो क्लासिकल पोइट्री में, रोमांटिक पोइट्री में, मेटाफिजिकल पोइट्री में, किसी में नहीं, बताइए। यस, कंसीट वॉज यूज इन मेटाफिजिकल पोइट्री। ऑप्शन नंबर सी, द पेरिस्ड ऑन द स्केफोल्ड, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द बाउ लाइन, ही पेरिस्ड ऑन द स्केफोल्ड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, ट्रांसफर्ड, एपिथेट, अपोस्ट्रोफी या यूफेमिज्म। ऑप्शन नंबर डी, यूफेमिज्म इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ही पेरिस्ड ऑन द स्केफोल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डेथ लेज हिज आइस हैंड्स ऑन किंग्स। यस, दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनी टाइम्स कम इन द मैनी एग्जाम्स, सो दिस यू शुड हैव टू टिक ऑफ ऑन दिस सेंटेंस, बिकॉज दिस सेंटेंस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, डेथ लाइज हिज आइस हैंड्स ऑन किंग्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, द बेंच फॉर द जजेस, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को चूज करना है, द बेंच फॉर द जजेस, आयरनी है, एपिग्राम है, मेटोनिमी है या एंटीथेसिस है। यह है मेटोनिमी, ऑप्शन नंबर द बेंच फॉर द जजेस। ऑप्शन नंबर सी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ए न्यू रेडियो जॉकी विल बी चूजन सून, एक नया रेडियो जॉकी जो है जल्दी से चूज कर लिया जाएगा। सून विल बी चूजन ए न्यू रेडियो, गलत, सून विल बी ए न्यू, ये भी गलत, रेडियो जॉकी ए न्यू वुड बी, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यू रेडियो जॉकी विल बी चूजन सून। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है आपको, हिज हेयर इज ब्लैक, द कैटल एंटर्ड इन टू द गार्डन, माई शूज आर ब्लैक, वेयर इज माई स्पेक्टेकल, चूज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेयर इज माई स्पेक्टेकल, मेरे स्पेक्टेकल कहाँ है, हिज हेयर आर ब्लैक, द कैटल एंटर्ड इन टू द गार्डन, एंटर्ड विवेश क्या, इन द गार्डन, माई शूज आर ब्लैक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, देर इज 7 कॉलम इन द रेम्बो, रेम्बो में 7 कॉलम है। देखिए इसमें करेक्ट करना है आपको, इज की जगह पर क्या आएगा, वॉज, थे, आर, ऑप्शन नंबर सी, देर आर 7 कलर्स इन द रेम्बो, रेम्बो में 7 कलर्स है, कलर्स मीन्स रंग, सॉरी मैंने कॉलम बोल दिया था अभी। नेक्स्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, ही इज एन एक्सपर्ट एट मैथमेटिक्स, ही इज एन एक्सपर्ट इन टू मैथमेटिक्स, ही इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, ही इज एन एक्सपर्ट अपॉन मैथमेटिक्स, कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ही इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, वह मैथ में एक्सपर्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो, इफ आई हैव वर्कड हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम करता आई वुड हैव पास्ड, तो ये इफ आई वर्क हार्ड आई शुड, इफ आई वर्क हार्ड आई वुड हैव पास्ड, इफ आई वर्क हार्ड मैं पास हो सकता था। देखिए जो है जो वुड का यूज किया जाता है ना, वो पास्ट टेंस की हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। अब पिछली वीडियो में मैंने एक सेंटेंस था, वो किसी एग्जाम में आया था, तो उसमें वुड लगाया था मैंने, तो
किसी स्टूडेंट का मैसेज आया कि यहाँ पर कुड आएगा क्योंकि सकता था है, लेकिन अगर पास्ट टेंस की हैबिट को शो कर रहा है सेंटेंस तो सकता था आए अर्थ या कुछ भी आए तो वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। तो 123 सेंटेंस देखे, इफ आई हैव वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। तो इसका आप इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी व्यूअर को लग रहा है कि मेरा बताया गया आंसर गलत है, इसमें कोई कमी है, कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए कमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ आंसर्स हम गलत बता देते हैं लेकिन उसको फिर पिन कर देते हैं, तो सबसे पहले आप कमेंट करने से भी पहले आप मैसेज बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, आई मीन टू से कि आप कमेंट्स को ज़रूर, जो सबसे ऊपर कमेंट होगा उसको चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो गलत आंसर हम बता देते हैं गलती से, उसको हम सही आंसर करके उसको पिन कर देते हैं। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। उसने उससे कहा प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ पर वेट कीजिए, टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस आता हूँ। तो ही आस्क्ड हिम टू वेट देयर, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर एंटिल ही रिटर्न, ऑप्शन नंबर सी। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर एंटिल ही रिटर्न। Please wait here till I return. तो he said to को बदला told me him that wait there until जब तक कि until जब तक कि नहीं he returned। देखिए मुझे इसका ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है लेकिन अगर आपको इसका कोई आंसर दूसरा लग रहा है, डी लग रहा है या इन ए बी में से कोई सा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। तो ही सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड अस, इफ यू को बदलेंगे वी में और इज एम आर को बदलेंगे वर, गोइंग अवे टुडे को बदलेंगे दैट डे में। तो ही इंक्वायर्ड आफ्टर वेदर वी वर गोइंग अवे दैट डे, ऑप्शन नंबर इसका है बी। यस ही इंक्वायर्ड ऑफ अस वेदर वी वर गोइंग अवे दैट डे। देखिए इनमें जो है ये वाला सेंटेंस और ये डी वाला भी सही लग रहा है, लेकिन इसका डी सही नहीं है, बी सही है, क्योंकि यहाँ पर टुडे को दैट डे में नहीं मतलब यहाँ मतलब हुआ। ठीक, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टूडे, क्या तुम आज जा रहे हो, तो इसने इंक्वायरी की है, तो यहाँ पर इसलिए सेड टू को बदल दिया गया इंक्वायर्ड, ऑफ का ऑफ, अस का अस, इंक्वायरी के बाद में ऑफ आता है। ठीक, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ या वेदर लगा सकते हैं, यहाँ पर इफ भी हो सकता था। ठीक, इफ या वेदर के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज इन टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो ये इस अस का हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अब इस इज एम आर को बदल देंगे, तो ये इज एम आर आता है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, वर। वर क्यों आएगा, क्योंकि वी जो है ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो वाज आ जाता। अगर टेंस तो सभी की याद होंगे, गोइंग का गोइंग, अवे का अवे, टू डे को बदल दिया हमने दैट डे में। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क स्टीडली। उसने अपने फ्रेंड से कहा वर्क स्टीडली। तो ही सजेस्ट किया उसने अपनी फ्रेंड को, ठीक है, अपने फ्रेंड को सलाह दी जाती है, डॉक्टर जो है पेशेंट को ऑलवेज एडवाइस करता है और फ्रेंड भी ज़्यादातर अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको सजेस्ट करता है या एडवाइस करता है। तो इसका ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट
ही वर्क्स स्टीडली, गलत है ये तो. ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क स्टीडली. ऑप्शन नंबर बी इसका सही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. देखिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को चेंज करना है. ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया. इसका क्या बनाना है, हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है. तो ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी. ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट. ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी. ही कन्फेस्ड दैट ही इज नॉट गिल्टी. उसने कबूल कर लिया है कि वो एक क्राइम है. ठीक, तो ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी. उसने कबूल कर लिया है कि वो एक गिल्टी है. ही कन्फेस्ड, उसने कबूल कर लिया, ये स्वीकार कर लिया दैट की ही वॉज गिल्टी, कि वो गिल्टी था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली. रिमूविंग टू, रिमूव टू करना है. देखिए ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब. तो ही इज टू की जगह लगा देंगे हम सो, ऑनेस्ट का ऑनेस्ट, इस वाले टू की जगह दैट. ही विल नॉट एक्सेप्ट, तो ही इज वेरी, पूरा देख लीजिए इसको. देखिए इज वेरी ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, इसमें इज की जगह लगा दी गई, सॉरी ये सो कहाँ सा आया, ये इस टू की जगह लगा देगा सो. ऑनेस्ट का ऑनेस्ट, इस वाले टू, इन्फिनिटिव टू की जगह पे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, दैट ये आ गया. सब्जेक्ट यही वाला हमने दोबारा से मान लिया. ठीक, विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब. यहाँ पर जैसे जो पास्ट प्रेजेंट टेंस में होता है कैन नॉट आता है उनमें, लेकिन यहाँ पर विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, वो एक रिश्वत कबूल नहीं करेगा. अर्थ देखिए, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत कबूल नहीं करेगा. तो ही इज सो ऑनेस्ट, मतलब इसका भी यही है, सेम मतलब होना चाहिए. ही सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, वो इतना ईमानदार है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ब्राइब को, या वे ब्राइब को, रिश्वत को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.